तुम्हें सिर्फ 2 दिन दे दो, मैं 2 दिन में किसी भी तरीके से तुम्हें अपार्टमेंट में शिफ्ट करता हूँ। लेकिन ये घर तो मेरा है। ऑफ कोर्स तुम्हारा है ये घर, लेकिन मम्मा को तो नहीं पता ना कि करोड़ों रुपए की जायदाद मैंने तुम्हारे नाम कर दी। अगर पता चल गया तो शोर मचाएंगी। हो भी सकता है कि इस जायदाद से मुझे आग कर दे। प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। सिर्फ 2 दिन और मम्मा जैसे कह रही है वैसे करते चले जाओ। अगर तुमने नहीं किया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। देखो रोशना, मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना, मेरी बात को समझो। सिर्फ 2 ही दिन तो मांग रहा हूँ, प्लीज। गुल, कल खीर पकाई की रस्म बकायदा तौर पे हम घर में कर रहे हैं। सब घर वाले होंगे, अम्मा होंगी, ठीक है? तो तुम्हें बहुत अच्छे से तैयार होना है, देख लो। जी आंटी। क्या बात हो रही है? बात ये हो रही है कि कल तुम्हारी दुल्हन की बकायदा तौर पे खीर पकाई की रस्म है। अच्छा। बस खीर में हाथ गया नहीं दुल्हन का, और किचन की सारी जिम्मेदारियां इनके कंधों पे, और मैं तो सिर्फ सास बन के देखा करती हूं। ठीक है आंटी, जैसा आप कहो। अरे नहीं मेरे बच्चे, आपको मजाक कर रहे हैं। खुश रहो। देखो जो मैं तुम्हें समझाया है तुम समझ रही हो ना? ठीक है। और क्या हो रहा है? मॉम मुझे कुलसुम से काम। कैसा काम? मॉम वो कल इस्लामाबाद जा रहा हूं ना, तो कपड़े आयरन करवाने थे, तो इसलिए इसको बुलाने आया था। अब शब्बों पे तो हिबा ने कब्जा करके बैठी हुई है, तो यही बची से तभी इसको बुलाने आया था। कुलसुम तुम जाके उस लड़की को बुलाओ, वो कपड़े प्रेस करेगी। अब कौन सी लड़की? भाई कुलसुम मैडम ने अपने किसी कजन को बुलाकर उसको मजे मजे के खाने खिला रही है। मुझे तो समझ नहीं आती है, मुफ्त की रोटियां थोड़ी तोड़ेगी, जरा थोड़ा घर का काम भी कर ले। हाँ, करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। कुलसुम तुम जाके खाना लगाओ, मैं ऊपर से आ रही हूँ। जी। तुम समझ गई हो ना कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ? जी साहब जी, मगर वो बहुत शोर मचाएगी। अरे शोर मचाना तो कहना कि बेगम साहब ने कहा है कि वो काम करे, और अगर काम ना करे तो घर से बाहर निकाल देना। जी। मामा मेरे सारे दोस्त वेकेशन पे जा रहे हैं, हम कब चलेंगे? लास्ट ईयर गए थे ना यूसुफ, इस साल मुश्किल है। क्यों मुश्किल मामा? तो बाबा बहुत बिजी हैं, इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो मैं घर बैठ के क्या करूँगा, बोर होता रहूंगा। बोर क्यों होगे? जब वीकेंड आएगा तो हम निकलेंगे ना बाहर बाबा के साथ। मामा प्लीज ना। वालेकुम अस्सलाम। देर हो गई आज सर? सॉरी यार, बैक टू बैक मीटिंग्स थी और बजट फाइनलाइज आज ही करना। बाबा मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था, वेकेशंस के प्लान्स बनाने थे, मामा ने साफ मना कर दिया। ऐसे मामा ने ठीक मना किया है क्योंकि इस साल बाबा मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब भी वीकेंड आएगा ना और मेरी कोई भी छुट्टी आएगी, पूरा दिन मैं और आप साथ गुजारेंगे। बाबा सोए क्यों नहीं अभी तक? तो छुट्टी है, उससे क्या फर्क पड़ता। It's way past your bedtime. आप जाएं, दांत ब्रश करें। चल। ओके चल। सॉरी यार, आजकल इतना बिजी हूँ काम में, घर में क्या हालात चल रहे हैं कुछ नहीं पता। कैसा चल रहा है सब, और नूफिल कैसा? नूफिल इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा। कुल काफी अफसरदा लग रही थी, पूछती हूँ तो टाल देती है। लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है। I mean, नूफिल ने अपनी मर्जी से ये शादी की। आई थिंक तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, मुझे बहुत क्लोज है तुम्हारी बात सुनने।
ठीक है, आप चेंज कर लें, मैं खाना लगाऊं।